तो ये सुबह का 6 बज गया है, शो ख़त्म हो चुका है और अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। सो ये गाड़ियाँ हैं जिसमें हम जाएंगे। 2250 नंबर है मेरी गाड़ी का। वाह, बहुत ठंड है इसमें, दिल्ली में काफ़ी ठंड है, लेकिन चलिए गाड़ी मिलती है तो फिर मज़ा आता है, ठीक लगता है गाड़ी घूमने से। इंडिया से जागी बहार, देखा पहली बार। तो ओवरनाइट ड्यूटी करने के बाद जब मैं बैठ गई हूँ कैब में, अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लगता रहता है क्योंकि कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि मुझे डर लगता है कहीं भीड़ ना रहे, इसलिए मैं आंखें बंद नहीं कर पाती हूँ। तो दिल्ली से नोएडा की तरफ हम किसी और को भी ड्रॉप करते हुए यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर रास्ता जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। नोएडा इसमें काफ़ी खाली खाली है। चलिए देखते हैं नोएडा से दिल्ली का ये खूबसूरत रास्ता, जहाँ पर आप देख रहे हैं ना सुबह के 6 बजे हम निकले हैं और धीरे धीरे रोशनी हो चुकी है अब। और अब रास्ते में आपको मैं दिखाती जाऊंगी सनलाइट, सूरज कैसे उग रहा है और क्या माहौल है रास्ते का। चलिए चलते हैं वापस घर की ओर। तो ये देख रहे हैं ना, सूरज की हल्की हल्की लालिमा दिखाई दे रही है, यहाँ से सूरज जी दर्शन दे रहे हैं, निकल आए हैं। देखिए छोटे से प्यारे से क्यूट से, जितने छोटे हैं ना अब बढ़ते 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 उतनी ही गर्मी देने लग जाते हैं। पर यहाँ पर ये जो गर्माहट है, या ये कहा जाए कि सूरज के जो ऑरेंज आप देख रहे हैं, जो कलर आ रहा है ना, ये देखने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, नो डाउट। तो इस मॉर्निंग व्यू को कैप्चर करना अच्छा लगता है, हम कर नहीं पाते, दिन भर उठ नहीं पाते, लेकिन जब भी मेरी ड्यूटी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि इस सीन को ज़रूर कैप्चर करूँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत है ये दृश्य है, एकदम प्यारा सा। ये देखिए जब पेड़ों के भीतर से ये जो सूरज झांकता है ना, तो और अच्छा लगता है। देखिए कैसे उगा था छोटा सा, अब कितना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो सनलाइट का एक अलग ही प्रभाव है। ये दूसरे साइड से जब टर्न ले रही थी गाड़ी मेरी, कैसा लग रहा है व्यू आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में।